हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस वीडियो इज इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट नेम्ड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स व्हिच हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर सिलेबस। ये सब्जेक्ट ने रिप्लेस किया है समथिंग नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। बिफोर आई प्रोवाइड यू सम ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, आई वुड जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज दीपक ओसवाल एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाई प्रोफेशन एंड आई हैव वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक IBM, HP एंड आई बीन इन टू द टीचिंग प्रोफेशन सिंस 4.5 ईयर्स नाउ। और भगवान की दुआ से रिजल्ट भी अच्छे रहे। आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू सम सिमिलैरिटीज विच इज देयर इन द सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑल्सो द वे और द अप्रोच विच हैज टू बी देयर इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाइड। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अपन को इस सब्जेक्ट में तकलीफ दे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं, तो हमको दोनों तरफ से देखकर इसको एक आसान सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करनी होगी। आई वुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू द बुक विच आई हैव मेड विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वैसे तो सिमिलैरिटी की तरफ ध्यान दे तो ये और वो दोनों एज एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बोथ आर टेक्निकल, बोथ रिक्वायर अ टेक्निकल बैकग्राउंड। इफ वी लुक एट दिस सब्जेक्ट एज एन EIS, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया ऐसा बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट चैलेंजिंग है, इनोवेटिव है और बिजनेस ओरिएंटेड है। एज एन ऐसा नहीं है कि है ना, हम जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते थे तो वी यूज टू स्टडी एंड वी यूज टू गेट मार्क्स एंड दैट इज ऑल, एवरीथिंग डन। इसके बाद उसको न कहीं देखना है न कहीं यूज करना है। लेकिन ये अगर आप किताब खोल कर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे कोर्स रिलेटेड है, ये मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिलेटेड है, ये ऑडिट रिलेटेड भी है, ये लॉ रिलेटेड भी है। तो कुछ कुछ कंटेंट्स उससे रिलेट करने की कोशिश की है, हालांकि टेक्निकल बैकग्राउंड पूरी तरीके से है इसमें। एज इन इसको आप बिजनेस ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस ऐसा कहा जा सकता है। दैट इज द रीजन वाई यू वुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग, एज वेल एज थोड़ा सा इसमें जान डालने की कोशिश की गई है। मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश की गई है, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश की गई है। द ओनली इशू और द ओनली ड्रॉबैक और द ओनली प्रॉब्लम विच यू मे फेस इज द कंटेंट इज वेरी वास्ट। बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स लिए गए हैं। तो उसके लिए एज इन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं कंपैरेटिवली, लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल बेस लगता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। नाउ लुकिंग एट द टाइम कंस्ट्रेंट, लुकिंग एट द क्वांटिटी ऑफ मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वी डोंट हैव दैट मच लीवे टू गो इन टू द टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ इट, अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, द डेटा टाइप्स एट्सेट्रा, एंड देन अंडरस्टैंड इट। ये थोड़ा सा कम सेंस क्रिएट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वॉट कुड बी डन इज, मैं आपको एक आई हैव मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, आई विल जस्ट शो इट टू यू। लेकिन उसके बारे में पहले ही थोड़ा सा कुछ बता दूँ आपको कि उस दिस कंसिस्ट ऑफ द कंटेंट विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द मॉड्यूल। नो डाउट मॉड्यूल ओरिएंटेड कंटेंट ही होना चाहिए तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कहने का मतलब, चीज़ें जब बहुत सारी है, चीज़ें जब छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स वी विल हैव टू हैव सम वे अपार्ट फ्रॉम गोइंग इन टू द डीपर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, एंड दैट इज समथिंग विच हैज बीन टेकन इन टू द बुक। एज इन बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए क्या किया गया है कि आई हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रियल टाइम एग्जाम्पल्स इन साइड इट। यानी कभी कभी कैसा होता है कि कोई कंसेप्ट समझने में ये रियल टाइम एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यू 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 स्टडी द कंटेंट ऑफ द फोर लाइन्स विच इज देयर इन द बुक, यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, यू टेक एन एग्जाम्पल, यू रीड इट, यू अंडरस्टैंड एंड यू वुड बी एबल टू रिलेट इट। सो वी डोंट नीड टू गेट इन टू दैट डीपर नॉलेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। हमारा काम भी हो जाएगा, समय भी कम लगेगा और चीज़ें समझ में भी आ जाएगी और आप एग्जाम में लिख भी पाओगे एग्जैक्टली जैसा एग्जामिनर चाहता है। तो एक तो ये बात होगी रियल टाइम एग्जाम्पल्स की, बिकॉज बिकॉज द कंटेंट इज लाइक वास्ट वास्ट भी, और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा यूज टॉपिक्स भी है, लेकिन बहुत सारे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमको कंपैरेटिवली दुख देंगे, बिकॉज इनका वेटेज अगर आप देखते हैं तो वो लो रहेगा, बिकॉज बिकॉज इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन ऑफ दैट टॉपिक। सो दोज हैव बीन इंक्लूडेड विथ रियल टाइम एग्जाम्पल। सेकेंडली आई हैव इंट्रोड्यूस्ड डायग्राम्स इनटू द सब्जेक्ट जो और ज़्यादा इसको यूजर फ्रेंडली बनाते हैं इन टॉपिक्स को। ऐसा नहीं लगता कि यार हम कौन सी दुनिया में आ गए, हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं। ये जो सोच बनती है सब्जेक्ट पढ़ने के समय, तो ये थोड़ी सी कम हो जाती है जब हम ये कंटेंट देखने की
की कोशिश करेंगे. सो आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू द बुक विच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड विच आई हैव मेड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आई वुड मेक श्योर दैट दीज एफर्ट्स कंटिन्यू इन ऑर्डर टू मेक यू स्कोर इन द सब्जेक्ट. एक बार आपको किताब दिखाने की कोशिश करूंगा. So this is the book which has been made with a lot of efforts, to be very frank with you. It is not about how the design or how attractive it is. It is all about the content which it has inside it. So if you could just see the things which are there on the left hand side, on my left hand side, basically I have written what is there inside the book exactly. It consists of something known as complete notes that has to be there in order to, you know, to succeed in this subject. Secondly, it has something known as real time examples. एज इन जो मैंने आपको कहा कि छोटे टॉपिक्स कंसेप्ट बड़ा बेस बड़ा लेकिन समय कम फिर भी समझना पूरा. इन दैट केस दीज वुड बी हेल्पिंग अस अलॉट. एंड इन ऑर्डर टू अगेन सिंप्लीफाई और मेक इट यूजर फ्रेंडली वी हैव समथिंग नोन एज डायग्राम्स फॉर बेटर लर्निंग. ओके सो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत कर आपके लिए एक फुल फ्लेज्ड बुक बनाने की पूरी कोशिश की गई है. हेंस आई हैव ऑल्सो नेम्ड इट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक. ओके दिस इज रिलेटेड टू लाइक अंडरस्टैंडिंग द थिंग या फिर इसको समझने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसको कंपेरेटिवली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता, निग्लेक्ट इग्नोर ऐसे शब्द दुनिया में यूज किए जाते हैं सिंस इट इज टेक्निकल एंड वी थिंक दैट इट डजंट बिलोंग टू आवर फील्ड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिटेनिंग. रिटेन करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है ऐसे सब्जेक्ट्स में. हेंस आई हैव ऑल्सो ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड अ मेथोडोलॉजी इन विच वी वुड बी एबल टू रिटेन द थिंग्स. यानी कुछ ऐसा इफ यू कुड जस्ट सी द थिंग्स विच हैव रिटन, आई हैव रिटन ओवर हियर समथिंग नोन एज कस्टमाइज्ड समरी ऑफ द चैप्टर्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वुड बी देयर. जब हम ये चीजें समझने के बाद इसको एग्जाम तक दिमाग में रिटेन करना या टिकाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी. इसके लिए जो मैंने चीज की है, जो यूजुअली मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी की थी जिससे काफी फायदा मुझे नजर आया था और उसने मुझे मोटिवेट किया है ये चीज वापस करने में. आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू that if I just open the book you would be finding that this is like chapter number 1. ये जो examples है और diagrams है ये तो आपको तब समझ में आएंगे जब आप content थोड़ा read करोगे. but the thing which I could directly show you live right now is something. देखो जैसे ये if I turn the pages you would be able to find कि this is like the first chapter and it is of approximately 39 pages. and if I turn the page or if you look at the end of this chapter you would be able to find my summary chapter 1. okay ye wo ahem hissa rahega is kitab ka jo aapko ye subject ka content retain karne mein puri tarike se madad kare. if I turn the pages you would be able to find that there are topics which are listed according to the chapter. उनकी हेडिंग्स सब हेडिंग्स वगैरह सब चैप्टर के हिसाब से देकर अप्रोप्रिएट स्पेस लीव कर दी गई है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और वो चीज जो एग्जामिनर सर्च करता है वो आप एग्जाम में लिख सको. सो इन दिस वे यू वुड बी एबल टू रिड्यूस नॉट रिड्यूस एग्जैक्टली यू वुड बी गेटिंग जैसे इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत जगह पर एक चीज आपको बार बार नजर आएगी दैट इज नोन एज डेटा माइनिंग. यानी एक्सट्रैक्ट करना उस चीज को जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो एज कम्पेयर टू समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट उसी डेटा में खोज करके. तो कहने का मतलब वो इसमें हम करेंगे, हम इसमें वो कंटेंट लिखेंगे जो डेफिनेटली मार्क्स ओरिएंटेड रहे और जब आप एग्जाम से ऑडिट के पेपर से घर आओ तो दिस वुड बी अ वेरी हैंडी थिंग फॉर यू नो टू रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन. सो कहने का मतलब पूरी तरीके से एफर्ट्स दिए गए इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड to relate and also to retain the subject. So this is all about the book which I have made. और ये summary पांचो chapters में है. Every chapter at the back has this kind of thing along with the diagrams, along with the real-time examples. So I hope things would become more clear after you look at the book. और बहुत ज़्यादा मेहनत की है definitely मैंने इसको आपके तक as in चीज़ें सुधारने के लिए, चीजें आसान करने के लिए कंपैरेटिवली. सो दिस इज ऑल अबाउट द बुक विच आई हैव टू टेल यू इन दिस वीडियो. तो ये था वो इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू उस सब्जेक्ट के बारे में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स कि सब्जेक्ट आखिर है किस प्रकार का और इसमें चीजें किस तरीके की आने वाली है, कितना वास्ट है, कितना लॉजिकल है, कितना चैलेंजिंग है, कितना इनोवेटिव है, कितना नया है, कितना बिजनेस ओरिएंटेड है कंपैरेटिवली. सो कहने का मतलब कि इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टडी, एज इन इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक. इट डजेंट मैटर
कहने का मतलब कि आप मॉड्यूल से पढ़िए, आप खुद के नोट्स बनाइए अगर आपके पास उतना समय है, आप किसी टीचर से पढ़िए या फिर आप मुझसे पढ़िए, इट इज़ ऑल अबाउट कि ये सब्जेक्ट सिंप्लीफाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। देर वुड बी वीडियोज विच वुड बी कमिंग अप ऑन दिस चैनल रेगुलरली। सेकेंडली देर आई हैव बीन वीडियोज विच आई हैव शेयर्ड ऑन द चैनल रिलेटेड टू एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, जो काफ़ी कंसेप्ट ओरिएंटेड है। आपको समय मिले तो डेफिनेटली देखने की कोशिश करना, जिससे आपको आइडिया है कि कौन से टॉपिक्स, किस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनको वीडियोस के थ्रू एज इन प्योर ग्राफिक्स के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंपैरेटिवली। सो आई वाज जस्ट लाइक कि आप कहीं से भी किसी भी तरीके से पढ़िए, सिर्फ मेरा इतना कहना है कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट और एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, यू कुड डेफिनेटली आई वुड बी मैंशनिंग माई कॉन्टैक्ट नंबर्स, माई ईमेल एड्रेस जस्ट बिलो दिस वीडियो, यू वुड बी एबल टू फाइंड इट। यू कुड डेफिनेटली पिंग मी एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।